आजकल प्राइवेटाइजेशन होता है, नुकसान किसको होता है? ओबीसी वर्ग को होता है सबसे ज्यादा, गरीब लोगों को होता है, पिछड़ों को होता है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16वें दिन बिहार पहुंची, जहां राहुल ने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही राहुल ने एक ट्वीट कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा खुलासा भी किया है। राहुल ने अपनी पोस्ट में लिखा, यूजीसी के नए ड्राफ्ट में उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी एसटी और ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। आज 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग 7000 आरक्षित पदों में से 3000 रिक्त हैं और जिनमें सिर्फ 7.1% दलित, 1.6% आदिवासी और 4.5% पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर हैं। छा तक की बात कर चुकी बीजेपी आरएसएस अब ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों में से वंचित वर्ग के हिस्से की नौकरियां छीनना चाहती है। यह सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले नायकों के सपनों की हत्या और वंचित वर्गों की भागीदारी खत्म करने का प्रयास है। यही सांकेतिक राजनीति और वास्तविक न्याय के बीच का फर्क है और यही है भाजपा का चरित्र। कांग्रेस ये कभी नहीं होने देगी। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और इन रिक्त पदों की पूर्ति आरक्षित वर्गों के योग्य उम्मीदवारों से ही कराएंगे। तो सामाजिक न्याय का पहला कदम जाति जनगणना, ये पता लगाना कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, जनरल कास्ट के कितने हैं। ये देश का एक प्रकार से एक्सरे है। एक्सरे होने के बाद जो पिछड़ों की हिस्सेदारी बनती है, जो दलितों की हिस्सेदारी बनती है, वो उनको मिलने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आजकल प्राइवेटाइजेशन होता है, नुकसान किसको होता है? ओबीसी वर्ग को होता है सबसे ज्यादा, गरीब लोगों को होता है, पिछड़ों को होता है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। मोदी जी, अदानी जी की सरकार चलाते हैं, पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े अरबपतियों को मिलता है। हम चाहते हैं कि जो हाथ से काम करता है, जो छोटी दुकान चलाता है, उसके लिए भी बैंक के दरवाजे खुले, देश उसकी भी मदद करने का काम करे।